राजू श्रीवास्तव एक महीने से एम्स में भर्ती हैं। राजू के फैंस दिन रात उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। परिवार वालों ने कहा कि बुधवार रात 2 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे के बीच उनकी आंखों में हल्की सी मूवमेंट है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि इसे होश में आना नहीं कहते। हो सकता है कि हल्की सी पलकें हिली हों, लेकिन अभी भी उनके ब्रेन में कोई हरकत नहीं हुई है। बता दें कि 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली एम्स में राजू को एडमिट कराया गया था। राजू को बुखार आने के बाद डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर में सभी पाइप को बदल दिया ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा राजू श्रीवास्तव को ना हो। वहीं राजू द्वारा आंखें खोले जाने को लेकर डॉक्टर्स ने उनकी पत्नी शिखा को बताया कि पहले भी उन्होंने कई बार आंखें खोली हैं, लेकिन जब तक ब्रेन में हरकत नहीं होगी तब तक राजू ठीक नहीं होंगे। उनके भाई ने बताया कि राजू की बेटी अंतरा उन्हें देखने के लिए आईसीयू गई थी। बेटी ने पापा से कहा कि पापा आंखें खोलो, कब तक यहाँ लेटे रहोगे। ये सुनने के बाद उनकी आंखों में हरकत हुई, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बेटी ने अपने परिजनों को ये बात बताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।